Assalamu alaikum students, welcome back to my channel. Today I will discuss needs and prices for the test thematic apperception test by Henry Emery. सबसे पहले जब हम thematic apperception test को administer कर लेते हैं उसके बाद हम इसकी interpretation करते हैं. जब हम interpretation कर रहे होते हैं तो इस form में दो section कैसे fill करते हैं वो आज मैं बताऊँगी. उसमें needs और prices कैसे आएंगे. यहाँ पर जो फर्स्ट एरो है उसमें मेन नीड्स बतानी है कि नीड्स एंड ड्राइव्स क्या हैं हीरो या हीरोइन की. इस पर कंप्लीट वीडियो है. उसके बाद कंसेप्शन मीन्स के प्रेसेस क्या हैं. प्रेसेस इन्वायरमेंटल प्रेसेस होते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं जो क्लाइंट की हीरो या हीरोइन की नीड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस पर असरअंदाज हो रहे हैं, उसको इंटरफेयर कर रहे हैं. तो इन दो के बारे में मैं आज बताऊँगी. हेनरी एमरे ने नीड्स एंड प्रेसेस कौन से नीड्स एंड प्रेसेस की बात की है. जब हम इस टेस्ट की इंटरप्रिटेशन करेंगे तो इसमें ये हमारे लिए हेल्पफुल है. नीड्स, सबसे पहले हम नीड्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं प्रेसेस के बारे में बताऊंगी. नीड्स मोटिवेटेड बाय डिज़ायर फॉर पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, नॉलेज एंड क्रिएटिविटी. इसमें सबसे पहले अचीवमेंट की नीड है. अगर क्लाइंट If he work toward goal with energy, कि वो अपने goal को accomplish करने के लिए बहुत energetic है, बहुत energy के साथ काम कर रहा है, अपने high standards set किए हुए हैं, he has overcome obstacles, he is very ambitious person and he is very competitive person in his stories, तो ये client की achievement की need को represent करेगा. हम यहाँ पर client की need लिखेंगे कि ये achievement की need है. अगर इसकी स्टोरी ऐसी है कि जिसमें ये सब कंटेंट आ रहा है तो ये अचीवमेंट की नीड कहलाएगी. इसके बाद एक्विजिशन है. अगर क्लाइंट इस तरह का कंटेंट इस्तेमाल कर रहा है जो शो करे कि ही इज़ वर्किंग फॉर मनी, टू वर्क फॉर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, टू स्टील, चीट और ब्रेकिंग एथिकल लॉज, अपने गोल को अचीव करने के लिए लॉज को तोड़ देना, किसी को हार्म पहुंचाना या किसी को किडनैप करना वगैरह, ऐसा कंटेंट है स्टोरीज का, तो ये एक्विजिशन की नीड है. देन एग्रेशन है, जिसमें वर्बल फाइट और आर्गुमेंट हो, किसी के साथ फाइट की गई है, किसी को ब्लेम किया जाए, किसी को क्रिटिसाइज किया जाए, किल समवन इन डिफेंस, इन सेल्फ डिफेंस एंड aggression against some legal or moral standards such as in criminal activity. इसके अलावा destruction की बात हो, जिसमें attack और smash या burn कर दिया जाए, चीज़ों को जलाया जाए, किसी चीज़ पर हमला किया है, तो ये aggression की need को represent कर रहा है. ऐसा theme, story का ऐसा theme, ऐसा content. Construction है, जिसमें to organize, build, create और place something in new order. किसी चीज़ों को organize किया जा रहा है, modify किया जा रहा है, नई तरतीब से बनाया जा रहा है, ऐसी चीज़ों का जिक्र है, तो ये construction का की नीड है. Counter action है, जिसमें overcompensate किया जा रहा है. Overcompensate होता है कि जिसमें ख़राब हो जाने के डर से, error के डर से आप बहुत excessive correction कर रहे हैं. ओवर कंपेंसेट कर रहा है किसी वीकनेसेस के लिए. ही इज़ वेरी रेजोल्यूट एंड परसिस्टेंट. ही इज़ वेरी डिपेंडेंट, सॉरी डिटर्मिन्ड इन डिफरेंट सिचुएशन. डिटर्मिन्ड होना डिफरेंट सिचुएशंस में, तो ये काउंटर एक्शन है. इसके बाद डोमिनेंस है, टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ह्यूमन इन्वायरमेंट. आप असर्टिव हो रहे हैं, अथॉरिटेटिव हो रहे हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये डोमिनेंस की नीड है. एक्सपोजिशन, रिलेट इंफॉर्मेशन इन एन इंस्ट्रक्टिव मैनर, जैसे कि लेक्चर प्रोवाइड करना, एक्सप्लेन करना वगैरह, तो ये एक्सपोजिशन है. रिकॉग्निशन होता है, टू एक्ट इन अ वे टू सीक प्रेज एंड अटेंशन. दिस इज रिकॉग्निशन. नीड्स मोटिवेटेड बाय अफेक्शन, एडमायरेशन, सिंपथी, लव एंड डिपेंडेंस. इसमें सबसे पहले अफिलिएशन है. द इंडिविजुअल हैज एस्टैब्लिश्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप with someone in his stories and he has affectionate feeling for specific person and he has a strong attachment. This would be affiliation need of affiliation. Deference hai, the individual is showing compliance or with the wishes, suggestions of another person. Iske ilawa agar wo respect de raha hai dusron ko, to ye bhi deference mein aayega. Nurturance aa jata hai, to help, feed, support, console, protect or providing comfort to others, to people who are in need, and he is giving sympathy, he have kindness and protecting other people. This would be nurturance need.
succurrence, a tendency to cry, ask for help. The individual is dependent and helpless. Kipper dependent hai, helpless hai apni stories mein. He is seeking out affectionate care and social support. Usse dusron ke support ki zarurat hai. Wo dusron par dependent hai. To ye succurrence ki need kehlayegi. Next, needs motivated. Hum do needs pad chuke hain. Iske baad teesri needs hai yahan par. Needs motivated by desire for freedom, change, excitement and blame. सबसे पहले ऑटोनॉमी की नीड है जिसमें फ्रीडम को शो किया जाए. इसमें यहाँ पर तीन तरह की नीड्स हैं. एक फ्रीडम वाली नीड्स हैं जिसमें फ्रीडम को शो किया है, क्योंकि ये सब कैटेगरीज ऑटोनॉमी में ही आएंगी. फ्रीडम है, रेजिस्टेंस है और ए सोशल है. जिसमें फ्रीडम को शो किया जाए, जैसे टू बिकम इंडिपेंडेंट, टू टर्मिनेट अ कन्फाइनिंग रिलेशनशिप, टू लीव स्कूल, ऐसा कंटेंट है कि जिसमें स्कूल छोड़ा जा रहा है, किसी के साथ फाइट हो रही है, फाइट वो कर रहा है फॉर लिबर्टी, इन अ पॉजिटिव वे में फाइट हो रही है एंड डिटर्मिन है टू रिमेन इंडिपेंडेंट, कि मैं इंडिपेंडेंट रह लूँगा. तो ये ऑटोनॉमी की नीड है. इसके अलावा जिसमें रेजिस्टेंस को शो किया गया है, टू रिफ्यूज़ टू कम्प्लाई विद द डिमांड्स ऑफ अनदर, के फर्द दूसरों की बात को सुन नहीं रहा, दूसरों की डिमांड्स को फॉलो नहीं कर रहा, उनकी कमांड को फॉलो नहीं कर रहा, अथॉरिटी फिगर्स की डिमांड्स को फॉलो नहीं कर रहा, उनके साथ डिसोबे कर रहा है, डिसएग्री है, डिसोबे करता है. तो ये भी ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी की नीड है. इसके अलावा लास्ट पर ए सोशल बिहेवियर अगर शो किया गया है, जैसे कि टू एक्सप्रेस बिहेवियर डैट इज़ नॉट अलाउड, पनिशेबल बिहेवियर शो किया गया है, कि जिसमें वो आज़ादी चाह रहा है, इंडिपेंडेंट होना चाहता है, तो ये भी ऑटोनॉमी में आएगा. एक्साइटेशन एंड डिसिपेशन. एक्साइटेशन इज टू एक्ट इन अ वे डैट क्रिएट्स इमोशनल एक्साइटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, यूजलेस और प्रॉफिटलेस एक्टिविटीज़ में इंगेज है, ट्रैवलिंग, गैम्बलिंग वगैरह में. तो ये एक्साइटेशन डिसिपेशन है. प्ले, जिसमें स्पोर्ट्स, गेम्स, डांसिंग, ड्रिंकिंग का जिक्र है, तो ये प्ले की नीड है. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, इम्पोर्टेंट है, कि अगर गेम का जिक्र है लेकिन उस गेम में कॉम्पिटिशन का भी जिक्र कर दिया गया है, कि कॉम्पिटिशन चल रहा है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है ना, कि जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे एक कंपटीशन है, किसी ने हारना है या किसी ने जीतना है, तो ये अचीवमेंट की नीड होगी, ये प्ले की नीड नहीं होगी. फिर हम इसको अचीवमेंट की नीड में कंसिडर करेंगे, कि वो डिटर्मिंड है, क्योंकि कंपटीशन है ना, कि वो किसी चीज़ को अचीव करने की तरफ तवज्जो दी जा रही है, फुली डिटर्मिंड है, एम्बिशियस पर्सन है, तो ये अचीवमेंट की नीड होगी. इसके बाद मिसलेनियस नीड्स हैं. मिसलेनियस नीड्स होती हैं जो स्कैटर्ड और मिक्स्ड नीड्स होती हैं. सबसे पहले अबेसमेंट है, टू एक्सेप्ट इंजरी, ब्लेम, क्रिटिसिज्म, पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना. जैसे यहाँ पर एक तरह से पैसिव एटीट्यूड को अडॉप्ट किया जा रहा है, द इंडिविजुअल इज अडॉप्टिंग पैसिव एटीट्यूड, अबेसमेंट. अगर उसका पैसिव एटीट्यूड है, लोग हार्म भी पहुँचा रहे हैं, लोग ब्लेम भी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, पनिश भी कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, पैसिव पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, तो ये अपेसमेंट की नीड है. ब्लेम अवॉइडेंस, टू एक्ट इन अ वे एज टू अवॉइड ब्लेम. आप ब्लेम और रिजेक्शन को अवॉइड कर रहे हैं, बहुत कन्वेंशनल हो रहे हैं, रिमोर्सफुल हो रहे हैं, तो ये ब्लेम अवॉइडेंस है की नीड है. कॉग्निजेंस है, टू एक्सप्रेस क्यूरियोसिटी, के क्लाइंट ने जो स्टोरी एक्सप्लेन की है वो बहुत क्यूरियोसिटी है, उसमें डिटेक्टिव हो रहा है, वो बहुत क्वेश्चनिंग कर रहा है. टू रीड एंड सीक नॉलेज, तो ये कॉग्निजेंस की नीड है. हार्म अवॉइडेंस है, टू अवॉइड फिजिकल पेन. फिजिकल पेन को अवॉइड करने के लिए लाउड नॉइज क्रिएट किया जा रहा है. टू रन अवे व्हेन चेस्ड बाय डेंजरस एनिमल, भागा जा रहा है, किसी ने अटैक किया है डेंजरस एनिमल ने, एंग्शियस हो गया है, फेयरफुल सिचुएशन क्रिएट हो गई है, दिस इज हार्म अवॉइडेंस. उससे भागा जा रहा है ना, किसी एनिमल ने अटैक किया और बहुत फेयरफुल एंग्शियस हो गया है और वहाँ से भाग रहा है, तो ये हार्म अवॉइडेंस की नीड है. पैसिविटी, टू फील टायर्ड, अपैथेटिक एंड लेजी इन स्टोरीज. रिजेक्शन, टू स्नब, इग्नोर एंड एक्सक्लूड अदर्स, दूसरों को रिजेक्ट कर देना, एक्सेप्ट ना करना, क्रिटिसाइज करना, रिजेक्शन की नीड होगी. रिटेंशन, टू बी पोसेसिव, अनविलिंग टू गिव टाइम, एनर्जी एंड अफेक्शन टू अदर, दिस इज रिटेंशन. सेंशियंस है, सेंशियंस में सेंशियंस नीड वो है कि जिसमें सेंशुअस इम्प्रेशंस को ऐड किया है, क्लाइंट उसे बहुत इंजॉय हो रहा है, बताया गया है कि ऐसा एटमॉस्फेयर है, ऐसा टेम्परेचर है,
रूम का कलर ऐसा है, ये कारपेट है, ये पिक्चर है, इनका कलर ये है, ऐसे साउंड क्रिएट हो रही है, ऐसी साउंड आ रही है, ऐसा टेस्ट है, इनका ऑर्डर ऐसा है, कि बहुत स्पेसिफिकली सेंशुअल्स इम्प्रेशंस को ऐड किया गया है, तो ये सेंशियंस नीड है। इसके बाद फोर्सेस हैं, प्रेसेस हैं, नीड्स मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ नीड्स कौन कौन सी हैं। अब हम प्रेसेस देखेंगे। प्रेसेस होते हैं कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ना, जो हीरो हीरोइन की नीड को पर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। ये फोर्सेस और प्रेसेस होते हैं जो इन्वायरमेंट में होते हैं। सबसे पहले प्रेस ऑफ डेप्रिवेशन है, जिसमें एक्विजिशन है। अ पर्सन वांट्स टू डिस्पोज द हीरो हीरोइन प्रॉपर्टी, कोई हीरो हीरोइन की प्रॉपर्टी को डैमेज करना चाहता है, नुकसान पहुँचाना चाहता है, बिजनेस में कोई थ्रेट मिला है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ख़राब हो रही है, तो ये एक्विजिशन होगी, एक्विजिशन का प्रेस है। लैक होगा, अच्छा इसमें पहली वाली थी प्रेस ऑफ डेप्रिवेशन, अब यहाँ पर कौन सा प्रेस है? डिस्क्रिप्टिव ऑफ एन एम्पटी एलियन और रिजेक्टिंग इन्वायरमेंट। लैक होगा, फ्यू डिजायरेबल ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन द एन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में बहुत बहुत चंद डिजायरेबल ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत कम अपॉर्चुनिटी है, हीरो हीरोइन इज पुअर, देर इज नो जॉब एंड हीरो हीरोइन इज मिजरेबल, दे आर हेल्पलेस, दे हैव नो सपोर्ट, दे आर हेल्पलेस एंड दे आर इन नीड ऑफ असिस्टेंस एंड सपोर्ट, द सिचुएशन इज इनसिक्योर एंड दे आर होम सिक, दिस वुड बी द प्रेस ऑफ लैक। लॉस होगा कि जिसमें लव्ड वन का हीरो हीरोइन का कोई प्यारा, अगर उसकी लॉस हो जाए, वो घूम जाए, या उसकी डेथ हो जाए, या वो छोड़कर चला जाए, दिस कुड इंक्लूड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू रॉबरी, अगर अगर किसी ने रॉबरी के जरिए आपकी प्रॉपर्टी जा चुकी है, किसी ने चोरी कर ली है, कब्जा कर लिया आपकी प्रॉपर्टी पर, तो ये भी लॉस का प्रेस होगा। देन रिजेक्शन है, समवन रिजेक्ट और लीव्स द हीरो हीरोइन, इट्स रिजेक्शन। अनकॉन्जेनियल इन्वायरमेंट, के अनकॉन्जेनियल इन्वायरमेंट है, कॉन्जेनियल इन्वायरमेंट नहीं है, कि देर इज़ नो म्यूचुअल सिंपथी और अंडरस्टैंडिंग, के फर्द जिस माहौल में रह रहा है, जो लोग उसके इर्द गिर्द हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, उनके साथ कॉन्जेनियल रिलेशनशिप नहीं है, उनके साथ सिंपथी नहीं है, लोग एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं, दे आर पीपल अराउंड हिम, लोग तो मौजूद हैं लेकिन उसे डिसलाइक करते हैं, उस हीरो या हीरोइन को डिसलाइक कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, डिसिपेट कर रहे हैं, डिसप्रूव कर रहे हैं उसको। हीरो हीरोइन डिससेटिस्फाइड है अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने इन्वायरमेंट को पसंद नहीं किया जा रहा, उस फिज़िकल इन्वायरमेंट से नफरत की जा रही है, द इन्वायरमेंट इज़ डिस्ट्रस्टफुल और अगली, तो ये अनकॉन्जेनियल इन्वायरमेंट होगा। इसके बाद प्रेस ऑफ कोअर्शन एंड रिस्ट्रेंट है, डोमिनेंस है, डोमिनेंस दो तरह से हैं, कोअर्शन है और रिस्ट्रेंट है। कोअर्शन होगा, समवन ट्राइज टू फोर्स द हीरो हीरोइन टू डू समथिंग, कि कोई हीरो हीरोइन को फोर्स कर रहा है, कुछ करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, अगर कुछ करने के लिए फोर्स किया जा रहा है तो ये कोअर्शन है, लेकिन अगर समवन ट्राइज टू प्रिवेंट द हीरो हीरोइन फ्रॉम डूइंग समथिंग, अगर कोई काम करने से रोका जा रहा है, तो ये रिस्ट्रेंट है, दोनों तरह से ये डोमिनेंस है। इम्पोज टास्क ड्यूटी और ट्रेनिंग, द हीरो हीरोइन इज गिविंग समथिंग टू डू, फॉर एग्जांपल ही मस्ट प्रैक्टिस द वायलिन, कोई एक इम्पोज किया जा रहा है उन पर, एक ड्यूटी लगाई जा रही है, ड्यूटी असाइन की जा रही है कि आपको ये वायलिन बजाना ही बजाना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, यू हैव टू डू दिस, तो ये टास्क और ड्यूटी को इम्पोज किया जा रहा है ना उन पर, कोई भी ड्यूटी को, कोई किसी भी टास्क को, किसी भी ट्रेनिंग को इम्पोज किया जा रहा है। प्रेस डिस्क्रिप्टिव ऑफ हॉस्टाइल अग्रेसिव इन्वायरमेंट, कि जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अग्रेसिव है, जिसमें अग्रेशन हो सकता है, कि इमोशनल वर्बल अग्रेशन है, कोई हीरो हीरोइन पर एंग्री हो रहा है, अग्रेसिव हो रहा है। फिजिकल और सोशल होगा, कि हीरो हीरोइन किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या तो हीरो है या हीरोइन है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और कोई अथॉरिटी फिगर उनको पनिश भी कर रहा है, जिसकी वजह से अग्रेशन शो कर रहे हैं, कि माहौल में अग्रेसिव माहौल है। प्रेस ऑफ डेंजर इंजरी एंड डेथ, एफ्लिक्शन फिजिकल और मेंटल है, फिजिकल में है कि दे हैव फिजिकल हैंडीकैप,
कि उनको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, फिज़िकल एलमेंट है, कोई फिज़िकल बीमारी हो चुकी है तो ये फिज़िकल एफ्लिक्शन है, मेंटल में है कि उनको कोई साइकोटिक प्रॉब्लम है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो ये एफ्लिक्शन मेंटल है। अब हम देखते हैं डेथ ऑफ हीरो हीरोइन में है कि हीरो या हीरोइन की डेथ हो जाती है, कोई फिज़िकल प्रॉब्लम थी या कोई मेंटल प्रॉब्लम थी इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है, तो डेथ ऑफ हीरो हीरोइन है। एंड फिज़िकल डेंजर है, द हीरो हीरोइन इज़ एक्सपोज टू फिज़िकल डेंजर, ही इज़ अटैक्ड बाई एनिमल, हिट बाई ट्रेन, तो उनको कोई फिजिकली डेंजर, फिजिकल डेंजर में है वो। फिजिकल इंजरी में है कि हर्ट बाई ह्यूमन अग्रेसिव के किसी वाइल्ड एनिमल ने, किसी जंगली जानवर ने, किसी ह्यूमन अग्रेसर की उनको फिजिकली इंजरी प्रोवाइड की गई है। पहले तो था ना किसी फिजिकल डेंजर में है कि उन पर किसी ने अटैक किया है, यहाँ पर उनको इंजरी भी प्रोवाइड की जा रही है, किसी एनिमल ने अब अटैक कर दिया है, इंजरी कॉज की है। प्रेस ऑफ फ्रेंडलीनेस सिंपथी डिपेंडेंट लव, जिसमें सबसे पहले अफिलिएशन है, अफिलिएशन एसोसिएटिव है और इमोशनल है, एसोसिएटिव और इमोशनल। एसोसिएटिव में है कि हीरो हीरोइन एज वन और मोर फ्रेंड्स के बहुत सोशेबल हैं, दे आर वेरी सोशेबल, और उसके बाद इमोशनल में है कि दे हैव लव अफेयर्स एंड दे आर गेटिंग मैरिड, तो ये अफिलिएशन है कि किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप है, किसी के साथ शादी की जा रही है, लव अफेयर्स में है, तो ये अफिलिएशन है, अफिलिएशन का प्रेस है। डेफरेंस में कंप्लायंस भी है और रिस्पेक्ट भी है। कंप्लायंस में है कि एन इंडिविजुअल और ग्रुप फॉलोज द रिक्वेस्ट ऑफ हीरो हीरोइन, को कोई हीरो या हीरोइन को कंप्लायंस के उनकी डिमांड्स को फॉलो कर रहा है, कंप्लायंस को शो कर रहा है ना। और रिस्पेक्ट में है कि कोई इंडिविजुअल या ग्रुप हीरो या हीरोइन की रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, तो ये रिस्पेक्ट में आ जाएगा। कंप्लायंस और रिस्पेक्ट दोनों डेफरेंस हैं, डेफरेंस की, डेफरेंस का प्रेस है। नर्सरेंस है, समवन नरिशेस, इंकरेजेस, प्रोटेक्ट और केयर्स फॉर द हीरो हीरोइन, का कोई इनको कंसोल कर रहा है, यहाँ पर हीरो हीरोइन को कोई कंसोल कर रहा है, उनको सिंपथाइज कर रहे हैं, नर्सरेंस है। सक्रेंस, समवन सीक्स प्रोटेक्शन और सिंपथी फ्रॉम द हीरो हीरोइन, समवन इज रेस्क्यू बाय द हीरो हीरोइन, दिस वुड बी सक्रेंस, प्रेस ऑफ सक्रेंस। मिसलेनियस प्रेस, जैसे मिसलेनियस नीड्स थे, यहाँ पर इसी तरह मिसलेनियस प्रेसेस भी हैं, जिसमें सबसे पहले बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हैं, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न टू द हीरो या हीरोइन के घर में एक बेबी हो गया है, तो ये बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग है कि किसी के बेबी की बर्थ की बर्थ हो सकती है। क्लोस्ट्रम है, द हीरो हीरोइन फाइंड देमसेल्व्स इन कन्फाइनिंग स्पेस, जैसे कि कोई स्लॉटरी हाउस है या डीप वैली में है वो कन्फाइंड हो चुके हैं, ये भी हो सकता है ना कि किसी कमरे में लॉक्ड हो जाएं और वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाए, तो ये भी क्लस्ट्रम की फोर्स है, क्लस्ट्रम का प्रेस है। कोग्निजेंस, समवन इज क्यूरियस अबाउट हीरो हीरोइन, कोई इनको देख रहा है, कोई इनसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, इनके बारे में बहुत क्यूरियस है, कोग्निजेंस है। एक्सपोजिशन का प्रेस होगा, समवन टेल्स, एक्सप्लेन और टीच द हीरो हीरोइन समथिंग। अब लक दो तरह से है, गुड लक भी है, बैड लक भी है। गुड लक के प्रेवलेंस्ड मिली है, अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आ गई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो उनको चाहिए था वो उनको मिल चुका है, जैसे कि स्टेटस है, वेल्थ है, फेम है, फ्रेंड्स हैं, गुड अपॉर्चुनिटी है, गुड लक है। लक बैड भी हो सकता है कि अंडर प्रेवलेज्ड हैं, फॉर्चून इज अगेंस्ट द हीरो हीरोइन, दे आर अंडर प्रेवलेज्ड। तो आज हमने, मेरे ख्याल से सब हो चुके हैं, हाँ जी, तो आज हमने ये सब पढ़ ली हैं। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।